नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनैत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। टिकट मिलने के बाद सुनीता पटेल झिकोली घाट मां नर्मदा के चरणों में माथा टेकने पहुंची। हजारों कार्यकर्ता फूलमाला लेकर उनके स्वागत के लिए पहले से खड़े थे। झिकोली घाट पहुंचते ही फूलमाला पहनाकर सुनीता पटेल का स्वागत किया गया। साईखेड़ा में स्थित दादा धूनी वाले का आशीर्वाद लेकर प्रचार प्रसार शुरू किया। मीडिया से बातचीत में विधायक सुनीता पटेल ने कमलनाथ जी राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया और कहा कि पार्टी ने जो भरोसा मुझ पर किया उसके लिए मैं पार्टी की शुक्रगुजार हूं और कांग्रेस के वचन पत्र को गाडरवारा का वचन पत्र का और विधायक बनते ही जिला बनाने की मुहिम सबसे पहले कहने की बात कही। आशीर्वाद जो मुझे मिला है हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, तो मैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूँ। सम्मानीय कमलनाथ जी, सम्मानीय दिग्विजय सिंह जी, सम्मानीय राहुल भैया, सम्मानीय हमारे तनखा जी, सम्मानीय राहुल भैया जी, सभी लोगों ने मुझे दिया टिकट, पार्टी का टिकट दिया। मैं सबकी आभारी हूँ और हमारी क्षेत्र की जनता की बहुत आभारी हूँ, जिनकी आज मैंने जो सोचा था उसके हिसाब से मुझे टिकट मिला है। मैं हमारी क्षेत्र की जनता की मांग थी वो आज पूरी हुई है और मैं क्षेत्र की जनता को बधाई भी देती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ और आशा करती हूँ कि वो जितना आशीर्वाद उनका मेरे ऊपर रहा उससे ज़्यादा बना रहे, यही मैं मां नर्मदा से प्रार्थना करती हूँ। किन किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जाएंगे? हमारे क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उसके बारे में हमारे कमलनाथ जी का जो वचन पत्र है उसके अनुसार हम पूरा काम करेंगे। हमारे कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो जो कमलनाथ जी का वचन पत्र है वो गाडरवारा का वचन पत्र रहेगा, लेकिन प्राथमिकता से गाडरवारा को जिला बनाने की मांग मेरी प्रमुख है। कमलनाथ जी की दो लिस्ट आ चुकी हैं, इन लिस्टों को किस नज़र से देखती हैं आप, किस तरह की हैं दो लिस्ट अभी तक जो आई हैं? अब जैसे जैसे लिस्ट बनती जा रही है, अब एक बहुत बड़ा हजारों लोग प्रत्याशी मांग रखते हैं, प्रत्याशी बनने की इच्छा रखते हैं, उसमें बहुत सारी व्यवस्थाओं के हिसाब से बहुत सारी कैटेगरियों के हिसाब से देखना पड़ता है। और जो हमारा राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे प्रबुद्धजनों का मीटिंग में बैठे थे उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पिछली बार आपको विधानसभा की जनता ने भारी बहुमतों से जिताया था, इस बार आपकी क्या अपेक्षा है? इस बार भी जिताएगी 30,000 पार, जनता की मांग थी इस बार 15,000, इस बार 30,000। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।